हेलो चिल्ड्रेंस, माई सेल्फ ममता वर्मा फ्रॉम केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। आज हम डिस्कस करेंगे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ठीक है, द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच गवर्न्स द पॉपुलेशन ऑफ द एनर्जी लेवल इज द बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। मीन्स जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है एनर्जी लेवल का पॉपुलेशन, जिसको बोला जाता है बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, दिस फार्मूला इनेबल्स अस टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अवेलेबल एनर्जी लेवल्स। ये जो फार्मूला है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है, जो डिफरेंट लेवल में डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहते हैं उनको कैलकुलेट करने में ये फार्मूला बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। और ये जो फार्मूला है वो क्या है, एन अपर बाई एन लोअर इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल माइनस डेल ई बाई के टी। ये दिख रहा है, ये एन अपर अपॉन एन लोअर इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल माइनस डेल ई बाई के टी, वेयर एन जो है, ठीक है, एन इज़ द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन टू एनर्जी लेवल्स, वन अपर एंड अदर लोअर विथ एनर्जी ई अपर एंड ई लोअर, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अपर एंड लोअर लेवल्स एज एन अपर एंड एन लोअर रिस्पेक्टिवली। मीन्स यहाँ पर जो एन है, ये जो एन है वो क्या दर्शाता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को अपर एनर्जी लेवल में और लोअर एनर्जी लेवल्स में, जिसकी एनर्जी जो है एन अपर है और एन लोअर है। ठीक है, जो एनर्जी लेवल्स है उसकी, जो अपर एनर्जी लेवल है उसकी एनर्जी एन अपर है, और जो लोअर एनर्जी लेवल है उसकी जो एनर्जी है ई लोअर है। और के जो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू क्या रहती है, 1.38 × 10⁻²³ जूल केल्विन यूनिवर्स। और टेम्परेचर, यहाँ पर जो टी दिया हुआ है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है इसको नाम दे देते हैं 43। ठीक है, या फिर वन मान लेते हैं, इक्वेशन वन। इक्वेशन वन जो है उसको बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फॉर्मूला के रूप में माना जाता है। अब यहाँ पर जो ई है वो उसको लिखा जाता है डेल ई इक्वल्स टू ई अपर माइनस ई लोअर। ठीक है, हमें पता है कि जो रोटेशनल एनर्जी है जे, वो अगर जे इक्वल्स टू जीरो लेंगे तो वो जीरो एनर्जी लेवल होगा, या फिर ग्राउंड स्टेट भी बोल सकते हैं उसको। और अगर जे इक्वल्स टू वन होगा तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, जे इक्वल्स टू टू होगा तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ऐसे जो है क्रम के अकॉर्डिंग चलते जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है जीरो स्टेट के लिए लेते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को, तो क्या लिखते हैं इसको, एन जीरो, यहाँ डिनोमिनेटर में जीरो लिखते हैं। ठीक है, एन जीरो। और जे के लिए क्या लिखते हैं, जो जे स्टेट है उसके लिए एन जे। तो जो बोल्ट्जमैन फार्मूला है, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला है, उसको कैसे लिख सकते हैं, एन जे बाई एन जीरो इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल माइनस ई जे बाई के टी। ठीक है, उसके बाद हमने फर्स्ट फैक्टर देख लिया पॉपुलेशन, है ना, जो एनर्जी लेवल्स में पॉपुलेशन होता है वो फर्स्ट फैक्टर हो गया। अब दूसरा फैक्टर जो है उसको जानते हैं क्या होता है। अब सेकंड फैक्टर विच गवर्न्स द पॉपुलेशन इज द पॉसिबिलिटी ऑफ डीजनरेसी इन द एनर्जी लेवल्स। जो सेकंड फैक्टर है वो क्या है, डीजनरेसी। डीजनरेसी किसको बोला जाता है, डीजनरेसी मीन्स द एग्जिस्टेंस ऑफ टू आर मोर एनर्जी लेवल्स ऑफ एग्जैक्टली सेम एनर्जी। जो दो या दो से अधिक एनर्जी लेवल्स हैं, टू आर मोर देन टू,
एनर्जी लेवल्स है वो सेम एनर्जी रहते हैं, ठीक है, सेम एनर्जी में एग्जिस्टेंस करते हैं, उसको बोला जाता है डीजनरेसी, ठीक है। जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है, डायटोमिक मॉलिक्यूल आल्सो कंटेन डीजनरेसी एनर्जी लेवल्स एंड देयर एनर्जी इज एक्सिबिटेड बाय द रिलेशन। जो डीजनरेसी है उसको किस फॉर्मूले से शो किया जाता है, ये जे जी जे इक्वल्स टू 2J+1, जहाँ पे जो जे है वो है रोटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 0, 1, 2 एंड सो ऑन कुछ भी लिया जा सकते हैं, ठीक है। ये अगर 0 लेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, और अगर 2 लेंगे, जे की जगह 2 लेंगे, यहाँ पे 2 लिया गया है तो क्या आएगा, 3। वैसे ही अगर आगे करते जाएंगे तो आते जाएगा 1, 3, 5। अगर जे इक्वल्स टू 0, 1, 2 ऐसे रिस्पेक्टिवली लेते जाएंगे तो 1, 3, 5 ऐसे इसकी वैल्यू, डीजनरेसी की जो वैल्यू है वो आते जाएगी, ठीक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कंसीडरिंग दिस टू फैक्टर्स, पॉपुलेशन ऑफ एनर्जी लेवल्स एंड डीजनरेसी ऑफ एनर्जी लेवल्स, वी कंक्लूड दैट द इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कैन बी डिसाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ डीजनरेसी फैक्टर एंड द बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। इसका मतलब ये है कि जो स्पेक्ट्रल लाइन की इंटेंसिटी है वो दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, फर्स्ट फैक्टर इज बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकेंड फैक्टर इज डीजनरेसी। इन दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि जो इंटेंसिटी है, यहाँ पर जो इंटेंसिटी है वो प्रोपोर्शनल होगा पॉपुलेशन का और डीजनरेसी का, ठीक है, ऐसे इसको शो किया जा सकते हैं। लेकिन हमें पता है कि ईजूल में ये ईजूल इक्वल्स टू क्या होता है, ईजे बाई एच सी सेंटीमीटर इनवर्स, और पता है कि ईजे अपॉन एच सी इक्वल्स टू बी जे इंटू जे प्लस 1 सेंटीमीटर इनवर्स, ये हमें पता है, ठीक है, पहले से ये फॉर्मूले को हमने डिराइव किया हुआ है। तो अब क्या लिख सकते हैं, ई जे इक्वल्स टू, यहाँ ई जे की वैल्यू लिखना है तो ई जे को यहीं रखेंगे और ये एच सी है इसको ट्रांसफ़र कर देंगे, तो बी एच सी जे इंटू जे प्लस 1 सेंटीमीटर इनवर्स। अब हम पॉपुलेशन लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, एन जे बाई एन जीरो इक्वल्स टू 2J+1 एक्सपोनेंशियल माइनस बी एच सी जे प्लस 1 के टी, यहाँ पर जो ई जे है उसकी वैल्यू को पुट किया गया है, ठीक है, और बी की वैल्यू को यहाँ पे पुट किया गया है। सारी वैल्यू को पुट करने के बाद इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं 2, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अगर जो पॉपुलेशन है एन जे बाई एन जीरो उसका और जो रोटेशनल कांस्टेंट जे है उसके बीच ग्राफ खींचा जाए तो कैसा कर्व मिलता है, ये ऐसे थोड़े टाइम तक इंक्रीज होता है उसके बाद कंटिन्यूसली डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, ऐसे कर्व इसमें देखने को मिलता है, इसको बोला जाता है बोल्ट्जमैन पॉपुलेशन। अब देखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन जो 2 है, जो इक्वेशन 2 यहाँ पे रखे हैं माने हैं ये इक्वेशन 2। अब इस इक्वेशन 2 का डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करने के बाद जो फॉर्मूला मिलते हैं वो क्या है, ये मैक्सिमम पॉपुलेशन का फॉर्मूला मिलता है, जे इक्वल्स टू रूट ऑफ के टी बाई 2HCB माइनस 1/2, ये है मैक्सिमम पॉपुलेशन के लिए फॉर्मूला। इसका जो ये जो इक्वेशन है उसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। थस वी कंक्लूड दैट लाइन इंटेंसिटी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन ऑफ द रोटेशनल लेवल्स। ये जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, ठीक है,
जो लाइट है या फिर लाइन है, जो स्पेक्ट्रल लाइन है, सॉरी जो स्पेक्ट्रल लाइन है, उसकी जो इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पॉपुलेशन के, जो रोटेशनल डिफरेंट रोटेशनल लेवल है उसके पॉपुलेशन के भी प्रोपोर्शनल होता है। ये फॉर्मूले से ये शो हो रहा है, ठीक है। इफ़ द ट्रांजिशन टैक्स प्लेस बिटवीन लो जे वैल्यू टू हाई जे वैल्यू लाइन्स अप टू इंटेंसिटीज विल बी ऑब्जर्व वाइल मैक्सिमम इंटेंसिटी विल बी ऑब्टेंड एट आर नियर द जे वैल्यू गिवन बाय इक्वेशन 48 सॉरी इक्वेशन 3। देखो इसमें क्या होता है, यदि दो ट्रांजिशन लेते हैं बिटवीन टू एनर्जी लेवल्स लो जे वैल्यू और हाई जे वैल्यू के बीच, तो जो इंटेंसिटी है लाइट की जो इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम इंटेंसिटी की ओर ऑब्टेंड होते हैं, मैक्सिमम इंटेंसिटी में प्राप्त होते हैं, और ये जो जे वैल्यू से गिवन बाय इक्वेशन थ्री, ये इक्वेशन थ्री से पूरी तरह से ये जो है इक्वेशन थ्री ये इसको डिफाइन करते हैं कि ये जो वैल्यू है वो मैक्सिमम इंटेंसिटीज़ की ओर ही प्राप्त होगा, ठीक है। इस तरह हमने यहाँ पर मैक्सवेल बोल्ट्जमैन जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, एपिल मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके लिए फार्मूला यहाँ पे डिराइव कर लिए हैं। यही जो फार्मूला है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में प्रेजेंट रहते हैं उसके कैलकुलेशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। इससे पता करते हैं कि जो पर्टिकुलर कंपोनेंट है उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना प्रेजेंट है, ठीक है। ये उसके इंटेंसिटीज़ को भी बताने में हेल्पफुल होता है, इंटेंसिटी इससे पता चलती है। यहाँ पर ये ग्राफ भी जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है कि जो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन है उससे जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाला जाता है तो कहाँ पर किस इंटेंसिटी में हमें जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलेंगे इसका पता यहीं से लगाया जा सकता है आसानी से। एक क्या होता है, एक पर्टिकुलर वैल्यू तक, यहाँ तक जो है जे की वैल्यू जो है, सॉरी जे की वैल्यू नहीं, जो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी वैल्यू एक पर्टिकुलर नंबर तक बढ़ती जाती है, उसके बाद सडनली जो है इंक्रीज होती जाती है और ये पूरा डाउन हो जाते हैं, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि मैक्सिमम वैल्यू तक जो है जे की वैल्यू एक टाइम तक मैक्सिमम रहती है, उसके बाद कंटिन्यूसली जो है डिक्रीजेस होते जाती है। सपोज हम लेते हैं ये एन फाइव बाई एन फोर, इसके लिए वैल्यू लेते हैं तो ये कहाँ तक गया, ये फोर तक जाता है, ठीक है। कहाँ तक जाता है, ये सपोज ये फोर तक जाता है, ये फोर तक गया, उसके बाद क्या होता है, ये फोर तक गया सपोज़, उसके बाद क्योंकि हम क्या कर रहे हैं एन फाइव बाई एन फोर की वैल्यू ले रहे हैं, तो ये यहाँ तक गया, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद की जो वैल्यू लेते जाएंगे वो सडनली ऐसे डिक्रीज होते जाएंगे, जो वैल्यू लेते जाएंगे तो जे की वैल्यू जो है कम होते जाएगी इधर, सॉरी जो बोल्ट्जमैन है बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी वैल्यू कम होते जाएगी जैसे जैसे जे की वैल्यू जो है बढ़ाते जाएंगे। अगर यहाँ पर सिक्स लेते जाएंगे तो और कम होगा, अगर सेवन लेंगे तो और ऐसे कम होगा, यहाँ पर आएगा सिक्स की वैल्यू, यहाँ पर सेवन की वैल्यू, अगर यहाँ पर एट लेंगे तो इधर ऐसे कम होते जाएगा, जो जे की वैल्यू है इधर बढ़ते जाएगी और बोल्ट्जमैन जो है ऐसे इसकी वैल्यू जो है घटते जाएगी। ये यहाँ ये जो है बोल्ट्जमैन की वैल्यू है और इधर जो है पूरा जे की वैल्यू है, ऐसे जो है देखते हैं तो ये यहाँ पर जो है इसे आसानी से पता लगाया जा सकता है कि जो है बोल्ट्जमैन
जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके ज़रिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे कहाँ पे किधर ज़्यादा मिलेगा, कौन सी जे वैल्यू पर ज़्यादा मिलेगा और कौन सी जे वैल्यू पर कम मिलेगा। मैक्सिमम, एक मैक्सिमम वैल्यू के बाद जो है जे की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे ये बोल्ट्जमैन जो वैल्यू है वो कम होते जाते हैं। ठीक है, ये है, तो इसे आसानी से पता लगाया जा सकते हैं। ओके।